बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी की जयंती के अवसर पर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित बसपा के मंडल कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गिरीश चंद ने पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कहा है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर सोमवार को बसपा के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी की जयंती कार्यक्रम मनाया गया। भारी संख्या में पहुंचे बसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन को मनाने के साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गिरीश चंद्र व मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने पहुंचकर बसपा के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और सभी को जन्मदिवस की बधाई दी। इस अवसर पर भारी संख्या में मंडल मुरादाबाद के बसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अपने संबोधन में कहा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है और आने वाले पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, उसमें बहुजन समाज पार्टी ही जीत हासिल करेगी। सांसद गिरीश चंद ने कहा कि आज मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों से भारी संख्या में पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और सभी मान्यवर काशीराम जी के संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर मौजूद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर प्रत्येक मंडल पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी के शासनकाल को याद करते हुए तमाम लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी की सत्ता ग्रहण भी की है और आज जिस तरीके का जन सैलाब माननीय श्री काशीराम साहब के जन्मदिन पर आज उमड़ा है, निश्चित तौर पे ये संकेत है कि आने वाले 2022 में बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री बनेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यही हमारी रणनीति हमेशा बिल्कुल तैयार है। जब यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे प्रदेश में नंबर एक की पार्टी बनकर बहुजन समाज पार्टी आएगी। कार्यकर्ता हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती निर्देश पर अपने बूथ को जिताने के लिए अपना आज संकल्प लेकर माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर यहां से जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट ने अपने संबोधन में कहा कि आज पार्टी से भारी संख्या में लोग जुड़े हैं जिन्हें हम सब ने फूलमालाएं पहनाने के साथ उनका बसपा में स्वागत किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह सागर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश व दिवाकर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। आज ये बहुजन समाज के महानायक बाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब का 27वां जन्मदिवस मनाने के लिए सब साथी एकत्रित हुए हैं। कोई आगे की कार्यक्रम और संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ लोग काम किया जाए। समय समय पर आदरणीय बहन जी जो माननीय काशीराम साहब के कारोबार को आगे बढ़ा रही है पूरे देश के अंदर, जो हमें निर्देश संगठन के बारे में वो देती हैं, हम उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं और मजबूती के साथ पदाधिकारी बनाकर बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने का सभी साथी काम करते हैं। आगामी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव भी हैं, उसको लेकर आप क्या बहन जी के निर्देश अनुसार जो पंचायत चुनाव है आने वाला है उसकी पूरी तैयारी बहुजन समाज पार्टी के संगठन द्वारा कर ली गई है और क्योंकि अभी आरक्षण में हाईकोर्ट के द्वारा कुछ रोक लगा दी गई है, इसका इंतजार है और उसका आदेश आते ही जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार प्रत्याशी की घोषणा भी अतिशीघ्र की जाएगी। बहुत दिनों के बाद आपकी बहुत समय के बाद आपकी कोई मीटिंग हुई है, भारी संख्या में लोग आए हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछला वर्ष कोरोना काल में गुजरा है, अपने देश ही नहीं विदेशों में भी कोरोना का बहुत भारी असर रहा है, कारोबार हो राजनीतिक हो सभी क्षेत्रों में ये प्रभावित कोरोना ने किया है। इस वजह से बड़े आयोजन पर शासन की तरफ से भी प्रतिबंध था, आज का ये कार्यक्रम अनुमति के साथ मंडल कार्यालय पर आयोजित किया गया है और समय समय पर जो कार्यक्रम आयोजित होते चले आ रहे हैं वो भी आयोजित होते रहेंगे।